पंजाब विकिंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स ये दोनों ही टीम अपना आखिरी मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ ही खेलकर आ रही है, लेकिन तब पंजाब विकिंग्स ने चेन्नई में जाकर चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, वो भी एक तरफा हराया था। एक बार फिर से ये दोनों ही टीम आमने सामने होने जा रही है आईपीएल 2024 के मैच नंबर 53 में, लेकिन इस बार ये महामुकाबला पीबीकेएस के होम ग्राउंड धर्मशाला में खेला जाएगा। 5 मई 2024 संडे को अब सुपर संडे को डबल हेडर होगा। ये दिन का पहला मैच है जो दिन में 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो ये मैच काफी शानदार काफी जबरदस्त होगा। सीएसके अपना रिवेंज अपना बदला हर हाल में लेना चाहेगी ये मुकाबला जीतकर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब विकिंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पिछले जो 5 आईपीएल मुकाबले खेले गए पंजाब विकिंग्स की टीम का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। पीबीकेएस ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमों पर। पिछले 5 मुकाबलों में से 5 के 5 ही मैच पंजाब विकिंग्स की टीम ने जीते, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है। चूंकि ये मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, तो इस मैदान पर इस सीजन का ये पहला मैच होने जा रहा है। और इस ग्राउंड पर अब तक आईपीएल के इतिहास में सीएसके वर्सेस पीबीकेएस के बीच कुल 2 ही मैचेस खेले गए। एक साल 2010 में तब सीएसके ने जीत लिया था और एक साल 2012 में तब पीबीकेएस ने मुकाबला जीत लिया था। तो दो के दोनों ही बार चेजिंग टीम को ही जीत मिली थी। अगर हम इंजरी रिपोर्ट्स अवेलेबिलिटी न्यूज की बात करें तो जहां दीपक चहल सीएसके के तेज गेंदबाज इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं, यहां से अब ये एक मैच भी नहीं खेल पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मथीसा पित्राना इनके बेहतरीन तेज गेंदबाज लास्ट मैच निगल इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये फिट और फाइन हो चुके हैं। इस मुकाबले में एक्सपेक्टेड है कि वापसी करेंगे। वहीं इसके अलावा सीएसके के बेहतरीन गेंदबाज मुस्तफिजुर्रहमान यहां से उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेशनल ड्यूटीज की वजह से सीएसके आईपीएल छोड़कर वो वापस अपने देश जा चुके हैं नेशनल ड्यूटीज की वजह से। अगर हम दोनों टीमों के परफॉर्मेंस प्रदर्शन पर नजर डालें तो अब तक आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस में बस इतना फर्क है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं, एक मैच ज्यादा जीता है पंजाब विकिंग्स से, जहां पीबीकेएस ने 10 मुकाबलों में से 4 ही मुकाबले जीते हैं। अब सीएसके पूरी तरह से बनी हुई है प्लेऑफ की रेस। अपने बाकी बचे 4 मुकाबलों में से अगर ये टीम 3 मैच भी जीत जाती है तो ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो पंजाब विकिंग्स की टीम को अपने बाकी बचे 4 के 4 ही मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीतने होंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मुकाबले की हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 29 आईपीएल मैचेस खेले गए, जिसमें पंजाब किंग्स की टीम को 14 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 29 में से 15 मैचेस जीते हैं। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स कंडीशन की, तो आपको बता दें कि इस मैदान पर अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 11 आईपीएल मैचेस खेले गए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 6 मैचों में जीत मिली है, चेजिंग टीम को 5 मैचों में जीत मिली है। हाईएस्ट स्कोर इस मैदान का 232 रन है आईपीएल में, लोवेस्ट स्कोर 116 रन है, हाईएस्ट रन चेज हुआ था 195 रन, सबसे छोटा स्कोर डिफेंड हुआ है 170 रन और इस मैदान का आईपीएल में एवरेज स्कोर 180 रन है। अब बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन और इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की, आखिर मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज़ अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। ऐसा ओपनर नंबर 1 पर परमसिमरन सिंह होंगे, नंबर 2 पर जॉनी बेयरस्टो, शानदार विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो गजब के फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इनके वापसी से पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये नंबर 3 पर होंगे रैली रूसो, जबकि नंबर 4 पर होंगे शशांक सिंह, ये भी गजब के फॉर्म में चलते हैं। नंबर 5 पर सैम करन, इस टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर, जबकि नंबर 6 पर जितेंद्र शर्मा, विकेट कीपर बैट्समैन। तो वही नंबर 7 पर आशुतोष शर्मा, जबकि नंबर 8 पर होंगे हरप्रीत बरार। तो वही नंबर 9 पर हर्षल पटेल, जबकि नंबर 10 पर कागेश्वर अबादा, जबकि नंबर 11 पर होंगे राहुल चेहर स्पिनर। तो ये थी पीबीकेएस की प्लेइंग 11, जहां ये टीम गेंदबाजी के समय अर्शदीप सिंह को खिलाने वाली है। अर्शदीप सिंह खेलेंगे ये तो कंफर्म है, अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करती है तो अर्शदीप सिंह को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में शामिल करेगी परब सिमरन सिंह की जगह पर। अब बात करें सीएसके की प्लेइंग 11, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर होंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 2 पर अजिंक्य रहाणे, तो वही नंबर 3 पर ट्रायल में चलेंगे, नंबर 4 पर शिवम दुबे जो गजब के फॉर्म में चलते हैं, तो वही नंबर 5 पर मोइन अली, जबकि नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, हरफर मोला खिलाड़ी, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 8 पर समीर रिजवी, तो वही नंबर 9 शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर रिचार्ड ग्लेसन,
चंद, जबकि नंबर 11 पर होंगे तुषार देशपांडे या फिर मुकेश चौधरी को भी खिलाया जा सकता है। इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तुषार देशपांडे को मौका दिया जाएगा। यदि सीएसके की प्लेइंग 11 जहां ये टीम गेंदबाजी के समय एज ए इंपैक्ट प्लेयर मथीसा पथिराना को खिलाने वाली है, और अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करती है तो मथीसा पथिराना को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में शामिल करेगी, ऐसे में समीर जीवी को एज ए इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम डाल सकती है। तो यदि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की, क्या आखिर मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो अगर हम सही मानों में टीम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी स्ट्रॉन्ग काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ अलग बताते हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार तो पंजाब किंग्स का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। जहां तक बात रही मेरी तो मुझे लगता है कि यह मुकाबला चेजिंग टीम जीतने वाली है। अब चाहे पंजाब किंग्स चेस करे या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, जो भी टीम चेस करेगी वो टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।